हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एचपी जीआई टैग के बारे में। मैं आपको पूरा कंटेंट बता देता हूँ कि वीडियो में पूरा क्या डिस्कस होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जीआई टैग होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों जीआई टैग जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में किन किन चीजों को जीआई टैग दिए गए हैं। जो आप बुक्स में पढ़ते हो, अगर आप हिमाचल दर्पण में पढ़ते हो, तो उसमें जो डाटा है वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, क्योंकि जो अब जो जीआई टैग्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। नए जीआई टैग्स भी हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं, तो उस चीज के बारे में मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों के लिए जो है वो मार्किंग की गई है कि इनको जीआई टैग मिल सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, चाहे वो प्री हो चाहे मेन्स हो, अभी एलाइड का आपका आने वाला है, तो उनमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जीआई टैग। अब ये होता क्या है, तो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन ऐड की है जिसको आप अच्छे से सुनिएगा और पढ़िएगा। जीआई टैग एक प्रकार का चिन्ह होता है, किसी उत्पाद पर उसकी उत्पत्ति से संबंधित विशेष क्षेत्र को दर्शाने के लिए होता है। यानी कि जीआई टैग जो होता है वो एक तरह का आप मार्क समझ लीजिए, एक तरह का आप चिन्ह समझ लीजिए, जो किसी उत्पाद पर, यानी कि कोई अगर प्रोडक्ट होता है और किसी एरिया में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फेमस हो चुका है उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से उगाया जाता है और पूरे भारत में वो प्रोडक्ट वहीं का फेमस है, तो इसलिए जो है उस चीज को वहां पर जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि वो इंडिकेशन होती है कि ये प्रोडक्ट जो है यहाँ का फेमस है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, यही चीज होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के किसी चीज को फेमस करने के लिए जो है वो जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो उसकी ज्योग्राफी की तरफ इंडिकेट करता है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में कहें, कोई भी उत्पाद जब किसी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होता है तब उसे जीआई टैग दिया जाता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी पर्टिकुलर एरिया है किसी एरिया में, मान लीजिए आपका कोई एरिया है और आप कुछ ऐसी चीज लगाते हो जो पूरे भारत में फेमस हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसके जो उसकी तरह चीज है वो पूरे भारत में कहीं और नहीं बन रही है, तो उस चीज को जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि जो है वो चीज और फेमस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करेंगे बनारसी साड़ी, ठीक है। तो बनारसी साड़ी आपने सुना होगा, तो इसके साथ क्या है, बनारस की जो है वो साड़ी फेमस है। दार्जिलिंग चाय, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स बिहार, ठीक है, तो ये ईटीसी, तो ये आपने सुने होंगे जीआई टैग के बारे में। जिस उत्पाद को जीआई टैग मिलता है उसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता, नहीं होता है, ठीक है। जो भी किसी भी चीज को अगर जीआई टैग दिया जाएगा तो कोई भी उसका पेटेंट नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मेंस आप एग्जाम देने बैठे हो, क्लर एलाइड का या किसी चीज का, एचएस का, अगर आपके पास जीआई टैग के ऊपर आ जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन उसकी इस तरह से लिख सकते हो और दो चार एग्जाम्पल आप बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर रीड कर सकते हैं जो मैंने इमेज एड की है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्यों दिया जाता है जीआई टैग, यानी कि अब आपने ये तो देख लिया कि जीआई टैग होता क्या है, अब यहाँ पर मेन रीजन बात करते हैं कि जीआई टैग क्या जरूरत पड़ती है कि हम चीजों को जीआई टैग देते हैं, ठीक है। तो जीआई टैग जो होता है प्रत्येक वर्ष जो है किसी ना किसी वस्तु को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग द्वारा किसी वस्तु के निर्यात, संरक्षण और वृद्धि में मदद मिलती है। अब अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करूं, अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, तो किसी चीज की अगर आप ब्रांडिंग करते हो, ठीक है, तो उससे फायदा क्या होता है। सबसे पहला क्या होगा, एक तो ब्रांड उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि उसकी जो सेल होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और इकोनॉमिकल ग्रोथ है, चाहे वो किसी भी चीज की कंपनी का ब्रांड है, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यही चीज होती है, मान लीजिए कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप जीआई टैग देते हो, किसी भी चीज को जीआई टैग दिया जाता है, तो सबसे पहले तो उसकी बिक्री में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि उसका संरक्षण होता है, यानी कि उसको अच्छे से सेव किया जाता है। अब कोई चीज फेमस होती है तो उसका संरक्षण भी उसी टाइप से होता है, और फिर क्या होता है, उसकी वृद्धि भी होती है, यानी कि अब जितनी सेल्स ज्यादा होगी, जितनी उसकी बिक्री ज्यादा होगी, तो उसी तरह से क्या है, उसकी वृद्धि भी होगी, यानी कि और जो है उसका प्रोडक्शन होगा। अब इससे क्या होता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, जहां भी वो पैदा होता है उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को लाभ मिलता है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि अगर किसी चीज की कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां मान लीजिए आप चावल किसी प्रकार के उगा रहे हो, ठीक है, जो पूरे भारत में फेमस है, तो अगर उसको जीआई टैग मिल जाता है तो वो जीआई टैग के अकॉर्डिंग वो क्या है, पूरी भारत की नजरों में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा कि उसकी एक तो सेल्स ज्यादा बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी मतलब ज्यादा बिकेंगे, तो उसकी जो जहां पर वो पैदा होता है वहां की अर्थव्यवस्था जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन जो है वहां की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीजें जो है, इन चीजों को बढ़ाने के लिए जीआई टैग जो है चीजों को दिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, स्पेशली जो लेडीज वगैरह और गर्ल्स वगैरह होती है, वहां पर साड़ियों की शॉप है। अब एक तरफ सिंपल साड़ियां रखी हुई है और एक तरफ रखी है बनारसी साड़ी। तो जब आप बनारसी साड़ी के बारे में सुनोगे तो आपको ऑब्वियस है एक ब्रांड नजर आ जाएगा, ठीक है, एक चीज नजर आ जाएगी कि ये चीज क्वालिटी में अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि बनारसी साड़ी जो है वो फेमस है। अब वो फेमस किस तरह हुई? वो फेमस हुई जीआई टैग के द्वारा। तो इसलिए जो है चीजों को फेमस करने के लिए, उन चीजों के फेमस होने से क्या होगा कि जो लोग उन चीजों को बनाते हैं उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, ठीक है, उनको आय के साधन उनके मजबूत होंगे, ठीक है, और पर्यटन भी जो है वहां पर बढ़ेगा। तो इस चीज के लिए जो है वो जीआई टैग दिया जाता है, मेन जो होता है यही उनका मोटिव होता है। तो जीआई टैग में हमेशा उस स्थल का नाम जोड़ा जाता है, यानी कि जीआई टैग जहां पर दिया जाएगा तो उस स्थल का नाम भी उसके साथ जोड़ा जाएगा जहां उसे निर्मित किया जाता है। इससे उस क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिलता है। तो वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब 2018 के दिसंबर से लेकर 2019 में फेमस फेमस जो जो जीआई टैग दिए गए हैं भारत में, उनके बारे में मैं यहां पर पहले बात कर लेता हूं। सबसे पहले कंधमाल हल्दी, ठीक है, तो कंधमाल हल्दी जो होती है वो ओडिशा में होती है, जिसको जो है वो जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद सिरसी सुपारी है जो कि कर्नाटक में होती है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फिर है इरोड हल्दी, तमिलनाडु की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो हल्दियों को बहुत ज्यादा जो है जीआई टैग दिया गया है। और इसे याद भी रखिएगा कि इरोड हल्दी कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है। कंधमाल हल्दी जो होती है वो उड़ीसा में होती है, और सिरसी सुपारी जो होती है वो कर्नाटक में होती है, जिनको जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं तो जैगरी गुड़ केरला का हो गया, ठीक है, उसे दिया गया है। बिहार की लीची को जो है वो आपका जीआई टैग दिया गया है। और कड़कनाथ चिकन, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जो है मध्य प्रदेश का कड़कनाथ चिकन को जीआई टैग दिया गया है। तो ये है जो 2019 में मेन मेन आपके इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग मिले हैं। और जो ये जीआई टैग दिए जाते हैं किसी भी चीज को, वो दिए जाते हैं आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत। तो ये एक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके इंडिया के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीआई टैग क्या है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है, क्या क्या उससे फायदे होते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में ही जो है 2018 के दिसंबर से लेकर 2019 के पूरे जो भी महीने निकले हैं उसमें किस किस चीज को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग जो है वो किस किस को दिया गया। उससे पहले एक चीज कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीआई टैग किसको दिया गया था, यानी कि सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 2004 में। और अभी तक 270 से ज्यादा जो है जीआई टैग अलग अलग वस्तुओं को दिए जा चुके हैं। सबसे पहला आपका दार्जिलिंग चाय को 2004 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब बात करते हैं हिमाचल में जीआई टैग। हिमाचल में अभी तक जो है 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी कि 7 चीजों को जो है जीआई टैग दे दिया गया है। अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको 5 मिलेंगे, बट जो है 2 बाद में अपडेट हुए हैं 2019 में लेटेस्ट, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कहीं आप बुक से पढ़ो तो आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर टोटल आपसे पूछते हैं कि टोटल हिमाचल प्रदेश में कितनी चीजों को जीआई टैग दिया गया है, तो वो है आपकी 7। सबसे पहले कुल्लू शॉल, दूसरी आपकी कांगड़ा चाय, आपने इन सभी के बारे में सुना होगा। चंबा रुमाल हो गया, ठीक है, फेमस फेमस चीजें। फिर होगी आपकी किन्नौरी शाल, फिर होगी आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स, उसके बाद आता है आपका काला जीरा, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका चुल्ली ऑयल, ठीक है। अब इन दोनों को जो मैंने ब्लू में रखे हैं, इनको जो है हाल ही में ही 2019 में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ही किन किन चीजों को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो वो है काला जीरा जो कि होता है किन्नौर में, और दूसरा आपका चुल्ली ऑयल, ठीक है, जो कि होता है आपका, मतलब ये पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कहां पर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जीआई टैग के साथ जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम जोड़ा जाता है, तो काला जीरा के साथ जो जुड़ा गया है वो ऐसे ही जोड़ा गया है कि हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली ऑयल, ठीक है। तो इनको जो है वो आपका जीआई टैग दिया गया है। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे? एक तो आपका करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, क्योंकि जनवरी से रिलेटेड से बाद अगर करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं तो जीआई टैग से रिलेटेड करंट अफेयर बन सकता है कि हाल ही में किसको दिया गया है जीआई टैग। तो काला जीरा चुल्ली ऑयल 2 हो गए। इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से किसको जो है वो आपका जीआई टैग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 4 आपके पास, मान लीजिए 3 आपके पास ये दे दिए गए और एक कुछ और ऑप्शन दे दिया गया, तो आपको ये सारे पता होना चाहिए। 7 के साथ आपको टिप्स पर याद होना चाहिए कि हिमाचल में किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि किन प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट किया गया है जीआई टैग के लिए। देखिए जो आपका पहले काला जीरा था उसको भी मार्क किया गया था कि उसको जीआई टैग दिया गया है, बट 2019 में जो है उसको जीआई टैग दे दिया गया था, और साथ ही साथ चुल्ली ऑयल को भी दिया गया था। बट अब यहाँ पर और चीजें भी हैं जिनके लिए जो है मार्किंग की गई है कि इनको आने वाले टाइम में जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहला क्या है? चंबा चप्पल है, उसके बाद आपका पहाड़ी आलू हो गया, ठीक है, उसके बाद होगी अंगूरी शराब, फिर आपका हिमाचली सेब हो गया, फिर आपका चिलगोजा हो गया, हिमाचली चिलगोजा, फिर आपके हो गया लाहौली ऊन हस्तकला,
फिर हो गया आपका चंबा जरी, फिर हो गया कुल्लू टोपी, लाल चावल हो गए, चंबा चुक हो गए, घास के जूते हो गए, इनको पूले भी बोलते हैं, उसके बाद होगी आपकी किन्नौरी टोपी। ठीक है, तो इन चीजों के लिए जो है वो मार्किंग की गई है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि किन चीजों को दे दिया गया है। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में दे दिया गया कि यहां पर पीछे की तरफ मैं करता हूं, आपसे पूछ लिया गया कि कुल्लू शॉल एक ऑप्शन दे दिया गया, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल और साथ में आपके पास दे दिया गया किन्नौरी टोपी, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसको जो है वो अभी जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो वो नहीं दिया गया है किन्नौरी टोपी को। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस एक एग्जाम में पूछा भी गया था, और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया कि काला जीरा और चुल्ली ऑल को हाल ही में ही जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, और बाकी इंडिया से किस किस को किया गया है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी हमने जो कंदमाल हल्दी सिरसी सुपारी डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो चीज। एक क्वेश्चन मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में ही कल जो है वो एक जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, इंडिया में, तो वो किस चीज को किया गया है। ठीक है, सर्च कीजिए कीजिए, करंट अफेयर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए जो भी इस वीडियो को देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पूरा टॉपिक था। आई होप आपको जीआई टैग के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप बोलना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।